आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान जोरों पर चल रहा है, लेकिन रक्षाबंधन पर्व पर गुरुवार को नावघाट खेड़ी स्थित नर्मदा नदी में तिरंगा अभियान को लेकर अनूठे तरीके से संदेश दिया। नवागत SDM BS कनेल ने अपनी टीम एवं नाविकों गोताखोरों के साथ अपनी अपनी नाव पर तिरंगा लहराया और नाव रैली निकाली। रैली में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही नाविक सुरक्षा जैकेट पहने हुए थे। इस अवसर पर CEO रोहित पचौरी, TI प्रकाश वास्कले, ग्राम पंचायत सरपंच जीवन सिंह दरबार सहित ग्रामवासी तिरंगा रैली में शामिल थे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मना रहे हैं और उसी खुशी में भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन ने हमारी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर में राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाए इस और सभी लोग, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज पहले सीमित लोग VIP लोग ही फहराते थे, लेकिन इसमें संशोधन करके और हर भारत के नागरिक को यह अधिकार दिया है कि वह इस देश का नागरिक होने के नाते देश का जो राष्ट्रीय झंडा है वह अपने घर पर लहराए। तो इसी कड़ी में 13 से 15 अगस्त तक हम सब लोगों को हमारे सभी घरों पर झंडे लहराना है और इसी प्रकार सभी शासकीय कार्यालयों में भी लगाना है। तो मेरी सभी से अपील है कि हम हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर खुशियाँ मनाएं, आनंद लें और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ हमारे घरों पर, सभी घरों पर लहराएं। ये सभी से अपील है। और दूसरा, अभी नर्मदा जी का निरंतर पानी बढ़ता जा रहा है तो मेरी सभी से अपील भी है कि आगे जाके स्नान ना करें, दूर रहें नर्मदा जी से। और हालांकि यहाँ पे तैराक भाई लोग हैं जो मुस्तैद रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरी सभी से अपील है कि बाहर के जो आगंतुक है उनको जानकारी नहीं रहती है कि नर्मदा जी में पानी कब पड़ता है, तो जो घाट के जो निवासी लोग हैं वो निरंतर बताते जाए लोगों को कि पानी कभी भी बढ़ता रहता कम होता रहता है, तो इसलिए सावधान रखें और नहाना भी हो तो साइड में बैठ के स्नान करें। और सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने अभी हमारी तिरंगा यात्रा नाव के द्वारा निकली, उसमें सब लोगों ने सहभागिता निभाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।